हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम बनाएंगे स्कर्ट डंगरी फॉर 7 to 8 इयर्स बेबी गर्ल। इसे बनाने के लिए मैंने 2 मीटर का प्रिंटेड जींस का फैब्रिक लिया हुआ है। तो गाइस, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं स्कर्ट पार्ट की कटिंग करूंगी। इसके लिए मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड में रखा हुआ है। तो यहाँ से मैं मार्किंग स्टार्ट करूंगी। तो यहाँ पे जहाँ पे हमारा 6 इंचेस आता है, वहीं से हम मार्किंग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मार्क कर लूँगी 6 इंचेस की ब्रॉडनेस पे, और यहाँ पे मैं हल्का सा राउंड शेप देते हुए इसे ड्रॉ कर लूँगी। तो ये देखिए, अब यहाँ से मैं लेंथ लूँगी। तो यहाँ से मैं लेंथ लूँगी 17 इंचेस। और यहाँ से भी मैं 17 इंचेस पे मार्क करूंगी। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए मैं राउंड शेप दूंगी यहाँ पे। तो इस तरह से मैं यहाँ पे राउंड शेप दूंगी। तो इसी तरह से ये मैंने ड्रॉ कर लिया है। अब मैं इसे कट कर लूंगी। इसे हम कट कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने इसे कट कर लिया है। तो ये हमारा बॉटम का पार्ट कट हो चुका है। अब हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ से मैं लेंथ लूंगी। तो यहाँ पे मैं ब्रॉडनेस लूंगी 10 इंचेस की। तो यहाँ पर 10 पे मार्क करूंगी। ये है हमारा फ्रंट का टॉप पार्ट। तो यहाँ पे मैं ब्रॉडनेस 10 लूंगी। अब यहाँ से मैं 8 पे मार्क करूंगी। ये होगी मेरी टॉप पार्ट की लेंथ। तो ये मैं 8 पे मार्क करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगी इस तरह से। अब यहाँ पे मैं सेंटर पे एक मार्क करूंगी। अब यहाँ से सेंटर से मैं लूंगी 7 इंचेस की ब्रॉडनेस। तो 3.5 पे रख के मैं 7 इंचेस का सेंटर में मार्क कर लूंगी। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए मैं इस तरह से शेप दूंगी। इसी तरह से मैं यहाँ पे भी ड्रॉ कर लूंगी। अब मैं इसे कट कर लूंगी। तो ये देखिए, मैंने कट कर लिया है। ये है हमारा टॉप पार्ट फ्रंट का। तो यहाँ पे इस तरह से मैं इसे बनाऊंगी। तो सबसे पहले मैं स्कर्ट पार्ट प्रिपेयर करूंगी। तो यहाँ पे हम एक बेल्ट बनाएंगे। तो उसके लिए मैं लेंथ मेज़र करूंगी। तो इस तरह से मैं लेंथ मेज़र करूंगी बेल्ट की। तो यहाँ पे मुझे चाहिए 29 इंचेस का बेल्ट। तो मैं 29 इंचेस का एक बेल्ट कट करूँगी। तो ये देखिए, मैंने बेल्ट कट कर लिया है। और इसकी ब्रॉडनेस मैंने ली है अप्रॉक्स 4 इंचेस। अब मैं इसे एक एंड से लगाना स्टार्ट करूँगी। तो दोनों राइट पार्ट को मिला के मैं इस बेल्ट को स्कर्ट के साथ अटैच करूंगी इस तरह से। दोनों को जॉइन करते हुए मैं सिलाई लगाऊंगी पूरी लेंथ में। तो ये देखिए, मैंने इसे जॉइन कर लिया है। और ये दोनों एंड को भी मैंने इस तरह से जॉइन कर लिया है। तो इस तरह से मैंने ये बेल्ट अटैच किया हुआ है। अब
अब मैं दूसरे एंड को रॉन्ग साइड पे डबल फोल्ड कर दूंगी। तो इसे बस मैं रॉन्ग साइड पे डबल फोल्ड करके पूरी लेंथ में सिलाई लगाऊंगी। तो ये मेरा स्कर्ट पार्ट बिल्कुल तैयार है। अब हम टॉप पार्ट बनाएंगे। तो मैंने वही शेप का एक और पीस कट कर लिया है। इसे मैं इसके ऊपर उल्टा रखूंगी और दोनों को अच्छे से मिलाऊंगी और यहाँ से मैं सिलाई लगाऊंगी, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ तक ही मैं सिलाई लगाऊंगी। यहाँ पे मैं सिलाई नहीं लगाऊंगी, इन तीनों साइड पे मैं सिलाई लगाऊंगी। तो ये देखिए मैंने सिलाई लगा दी है। अब यहाँ से मैं इसे टर्न करूँगी राइट साइड पे। तो ये देखिए मैंने राइट साइड पे टर्न कर लिया है। अब मैं इसे स्कर्ट पार्ट के साथ जॉइन करूँगी। तो सबसे पहले मैं इसका सेंटर लूँगी। तो यहाँ पे मैं सेंटर पे एक मार्क करूँगी और यहाँ पे भी मैं सेंटर लूंगी। और यहाँ पे दोनों सेंटर पॉइंट को मिला के मैं इसे यहाँ पे फिक्स कर दूंगी ऊपर की तरफ से। तो यहाँ पे मैं सिलाई लगाऊंगी सिर्फ नीचे की तरफ। तो ये देखिए मैंने सिलाई लगा दी है। इसी तरह से मैंने एक ही साइड इसे फिक्स किया हुआ है। अब मैं यहाँ पे बेल्ट अटैच करूँगी। तो इसी तरह से मैंने दो स्ट्रिप कट की हुई है। इसकी ब्रॉडनेस है 3.5 और इसकी लेंथ मैंने ली है 20 इंचेस। अब मैं इसे इस तरह से हल्का सा फोल्ड करूंगी दोनों तरफ से और दोनों को मिला के मैं यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी पूरी ब्रॉडनेस में। तो इसी तरह से मैं दो स्ट्रिप्स प्रिपेयर करूंगी। तो ये देखिए मैंने दो स्ट्रिप्स तैयार कर ली है। अब मैं इसे यहाँ पे अटैच करूंगी। तो ये हमारा ओपन पार्ट है, इसे मैं अंदर की तरफ हल्का सा फोल्ड करूंगी दोनों तरफ से और यहाँ पे मैं स्ट्रिप रखूंगी। और यहाँ पे मैं पिन कर लूंगी। इसी तरह से मैं दोनों तरफ से इसे पिन कर लूंगी। और यहाँ पे मैं फोल्ड करते हुए यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी। तो ये देखिए मैंने इसे इसके साथ फिक्स कर दिया है। अब हम दूसरे एंड को बैक साइड पे लगाएंगे। तो इसे मैं टर्न कर दूंगी और यहाँ पे मैं इसे क्रॉस में फिक्स करूंगी। इस तरह से यहाँ पे नीचे की तरफ में सिलाई लगाऊंगी, ऊपर की तरफ आपको सिलाई नहीं लगानी है। और यहाँ पे भी मैं नीचे की तरफ इसे फिक्स कर दूंगी। तो यहाँ पे मैं सिलाई लगाऊंगी। तो ये देखिए मैंने इसे फिक्स कर दिया है। अब हम नीचे की बॉर्डर फोल्ड करेंगे। तो मैं इसे रॉन्ग साइड पे डबल फोल्ड कर दूंगी। तो इसे बस रॉन्ग साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई लगानी है, पूरी लेंथ में सिलाई लगानी है।
उसके बाद मैं यहाँ पे इलास्टिक डालने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने वेस्ट के साइज़ की इलास्टिक कट की हुई है, इसे मैं सेफ्टी पिन की मदद से इसके अंदर डालूँगी। तो इसकी बैक साइड पे मैंने थोड़ा हिस्सा ओपन रखा हुआ है, यहाँ से मैं इसे पास करूँगी। तो इसी तरह से मैं इसे पास करूँगी। तो ये देखिए मैंने दोनों एंड को निकाल दिया है, अब दोनों को मिला के यहाँ पे मैं सिलाई लगाऊंगी। तो ये देखिए मैंने सिलाई लगा दी है, अब मैं इसे अंदर डाल दूंगी और जो हिस्सा हमने खुला रखा था उसे मैं बंद कर दूंगी। तो एक हल्का सा फोल्ड करके मैं यहाँ पे सिलाई लगा दूंगी। तो ये देखिए मैंने सिलाई लगा दी है और यहाँ पे आप एक और सिलाई लगा सकते हैं। तो इसी तरह से ये मैंने इलास्टिक को यहाँ पे फिक्स कर दिया है। अब यहाँ पे मैं बटन्स लगाने वाली हूँ, तो इसी तरह से मैं इस कॉर्नर्स पे मैं बटन्स लगाऊंगी। तो आप इसे थ्रेड और नीडल से लगा सकते हैं या फिर आप फैब्रिक ग्लू से भी इसे फिक्स कर सकते हैं। तो इसे मैं यहाँ पे फिक्स कर दूंगी। तो इसी तरह से ये मैंने टंगड़ी तैयार की हुई है। तो गाइस तैयार है हमारी स्कर्ट डंगरी, ये बेबीज पे बहुत अच्छी लगती है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। तो गाइस अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद उस बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलती रहे, और हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।